हाय एवरीवन, एक बार फिर आप सबसे मुखातिब हूं। आज का मुद्दा यह है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसा फील करते हैं कि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं। जब आप कैट या किसी भी ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आप फर्दर करियर सोचते हो, तो कई सारे लोगों ने मेरे से यह प्रश्न पूछा कि सर मेरा मैथ्स काफी वीक है, टेंथ के बाद या यूं कहें कि टेंथ तक भी मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था और फिर मैं फर्दर पढ़ाई के दौरान कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, तो क्या मुझे कैट सोचना चाहिए? क्या मैं कैट का मैथ्स कर पाऊंगा? क्या ये ज्यादा टफ नहीं होगा मेरे लिए? बिल्कुल सही सवाल है आपका, और ये आपको पूछना भी चाहिए कि क्या ये मेरा प्रश्न जो है वो आंसर हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्या इसके आंसर से मुझे कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, आगे की राह मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि ये तो चर्चा ही इसी पर है। ठीक है, सो आप मैथ्स में वीक हैं, ये आपका अपने बारे में एक कहिए तो आपने एक प्रिजम्पशन पाल रखा है। ठीक है, मैं इसको बेसलेस नहीं कहूंगा, जबकि मैं आपके साथ वन टू वन इंटरेक्ट ना करूं और मैथ्स की कुछ बातें ना करूं, संभव भी नहीं है ऐसे बता पाना, लेकिन अगर ये आपकी धारणा अपने मन से बन गई है तो भी मैथ्स कैट का जो है वो क्या है? कैट का मैथ्स कहीं ना कहीं आपसे क्या चाहता है? कैट का मैथ्स आपसे केवल इतना चाहता है कि आप जब बिजनेस प्लेस पर कोई डिसीजन लें और उसमें क्वांटिटेटिव इनपुट्स की जरूरत हो तो आप उतना मैथ्स कर लें। मेरा मतलब क्या है कि जब भी आप डिसीजन लाइफ में लेते हैं तो हर डिसीजन इमोशन बेस नहीं होता, और अगर ये इमोशन बेस हो जाता है तो फिर वहां कैलकुलेशन की बात नहीं आती। लेकिन चूंकि बिजनेस प्लेस पर हम ये मानते हैं कि हमारे सारे डिसीजंस कहीं ना कहीं नफा और नुकसान के दायरे में होते हैं, इफ इट्स प्रॉफिटेबल गो फॉर इट, इफ इट्स नॉट सॉरी मत जाओ इसके लिए। तो मैथ्स बेसिकली क्यों कैट के लिए टफ माना जाता है और इसको हवा क्यों बना दिया गया है? हवा इसलिए बना दिया गया है क्योंकि आपको लगता है मैथ्स में आप वीक हो। लोगों ने भी समझा दिया कैट का मैथ्स टफ होता है, अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ती है, ऐसे ऐसे चैप्टर जो शायद टेंथ में भी आपको डरावने लगते थे। लेकिन यहां पर दो तीन फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। क्या जो मैच्योरिटी आपकी टेंथ में थी वही आज भी है? बिल्कुल नहीं है। क्या टेंथ में जो चैप्टर्स के मतलब आपको सिर्फ मैथ्स एंगल से समझ में आते थे, क्या आज भी वही स्थिति है? बिल्कुल नहीं है। तो जब आज वो स्थिति नहीं है तो फिर आप आगे सोच सकते हैं। अब देखिए जरा मैथ्स में होता क्या है। मैथ्स में कहीं ना कहीं आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस जो ट्रेन देखा गया उसमें 10 से 12 क्वेश्चन अरिथमेटिक के होते हैं, कुछ अलजेब्रा के होते हैं, कुछ ज्योमेट्री के होते हैं और कुछ एडवांस मैथ्स के होते हैं। एडवांस मैथ्स जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और इन तमाम चीजों की। ठीक है, आप मैथ्स में बेहतर हैं ये मैं साबित करता हूं। क्या आपको एडिशन आता है? आपका जवाब होगा हाँ। क्या आपको सब्सट्रैक्शन आता है? आपका जवाब होगा हाँ। क्या आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन आता है? हाँ। और कहीं ना कहीं डिवीजन भी आता होगा? हाँ। तो फिर आपको मैथ्स आता है, क्योंकि चाहे आप एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि आपसे पूछा गया कि 7 रुपए में 5 नींबू मिलेंगे आपको लेमन्स, और फिर आपसे पूछा गया तो मुझे 40 लेमन लेने हैं, क्या होगा आपका? अब आप सोचते हो कि इसमें मैं करूं क्या, 7 रुपए में 5 लेमन, तो किसको किससे डिवाइड करूं और किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? सच्चाई ये है कि आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, आपका काम हो गया, क्योंकि आपको यह फाइंड आउट करना है कि आखिर कैसे मैं इस चीज के सॉल्यूशन तक पहुंचूंगा। तो सॉल्यूशन साफ है अगर लॉजिकल ब्रेन आपके पास है। मैथ्स नहीं जानते हैं, लॉजिकल ब्रेन तो पता है कि इन द गिवन प्रॉब्लम व्हेन वी आर बीइंग आस्क्ड दैट इफ 7-11 कॉस्ट मी 5 रुपीज और 7 रुपीज आई गेट 5 लेमन्स इन 7 रुपीज, लेट मी बी करेक्ट, तो हाउ मच आई हैव टू पे फॉर 40 लेमन्स और हाउ मच आई गेट इन 40 रुपीज,
both the ways. Now the basic logic suggests to you that you have to find out the value of one lemon anyway. How can we find out? By and large, we don't divide the entire amount into five pieces. We don't get the value of one lemon. Is it correct? So if we are getting 5 lemons in 7 rupees, our objective is to divide 7 rupees into 5 parts so that I can get the value of 1 part. That lemon word can be biscuit, can be any object existing or imaginary. But real question comes as a value, whether you are able to find out the value or not. So if you divide 7 by 5, that refers to you have done the math. Now since you have got the value of 1 lemon by doing 7 divided by 5, whatever value comes, I don't know, it will come 1.4, fine. So if I got the value 1.4, since the given number is in rupee, so 7 rupee, since rupee divided, so result would be in rupee only, 1.4 rupees multiplied by 40 or as much lemon I need. That way, it's the logic which you applied. It's not the mathematics anywhere. Since mathematics by word itself has a demotivating factor, demotivating sounds and demotivating effect on you because you believe you are a math background student. So let me share my story over here. I have been a student of humanities throughout my career, let me tell you. In class 6, I got NTS, National Talent Search Exam. I've been selected as one of the talent. But in class 10th, 33 marks was required to pass and I got 29. I was failed. All thanks to economics as extra subject, which becomes the main subject, and I got my 10th result. Then how I improved it? Because when I completed my graduation, by that time my logic of reaching to a solution was grown up. So what teacher was suggesting me in class 8th or class 7th, to divide 7 by 5, I could not get the logic. Why I am dividing 7 by 5? Since the teacher was not able to make me understand that whatever amount you are paying, that has to be divided by the number of units you are getting out of product. I mean to say, given the proper logic, a non-maths background student even can understand what operation is required for the solution and what outcome I would be getting if I'm doing this operation. The day you understand this part, you are fine for CAT. What else CAT now comes to? Algebraic equations. For you, for me, when I thought of improving my mathematical skills, x plus x was 2x or x square is a Herculean task. Sometimes I felt it should be x square. Sometimes I felt it should be 2x. Now, if 2 plus 2 is 4, similarly x plus x should be something x, not 2x. As we don't say 2 plus 2 is 2, we say 4. Since in numbers, we have liberty to come to a conclusion. But when it comes to alphabetical numbers, x plus x would be 2x, since we don't know the value. Similarly, x multiplied by x should be x power is 2, that is, x has increased its power twice, 2 times x. In entire mathematics, have you ever been told that multiplication is a shortcut of addition only? कि आपको कभी बताया क्या कि मल्टीप्लिकेशन अलग ऑपरेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन का ही शॉर्टकट है। जैसे आप जब आप किसी भी क्लास में जाते हो, कोचिंग क्लासेस में, तो आपको वैदिक मैथ्स के कुछ लेक्चर्स दिए जाते हैं। ये देखो, ये वैदिक मैथ्स है, ये फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स है, बेसिकली वो मार्केटिंग में मिक्स होते हैं। कैसे? ये सुनिए, 2 + 2 + 2, हाउ मच? 6, फाइन। नाउ 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6। व्हाट वी डू? हमने क्या किया? हमने यही किया कि हम ये ढूंढ रहे हैं कि 2 कितनी बार ऐड हो रहा है, उससे हम मल्टीप्लाई ही क्यों ना कर दें। दैट रेफर्स टू मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्टकट ऑफ एडिशन ओनली।
Similar thing is there, if you divide, division is the shortcut of subtractions. कैसे? Let's say मेरे पास 6 टॉफीज हैं and I'm giving 2 टॉफीज to everyone possible manner. मैंने आपको 2 दे दिए, मेरे पास कितने बचे? 4. फिर मैंने एक जन को और 2 दे दिए, कितने बचे? 2. वो भी किसी को दे दिए. What I'm remaining with? 0. Now if I'm doing it with subtraction method, since it's a 3-stage operation, I can do it with subtraction. But what if I'm being asked, I have 185 toffees and I'm giving 2 toffees to each present member, and you have to find out the result. Now, how many people can be served, or how many children can be served? अब देखिए, आप क्या करेंगे? क्या 185 से पहले 2 माइनस करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे, टिल 0 माइनस करेंगे? नहीं. लॉजिकल ब्रेन क्या करता है? 185 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट विद सर्टेन रिमेनिंग दैट रेफर्स टू एक टॉफी बच जाएगी जो नहीं दी जा पाएगी क्योंकि हमें 2 टॉफीज देनी है. एम आई करेक्ट? तो मैथ्स में बेसिकली मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, जितने लोग ये मानते हो कि आपका मैथ्स वीक है, बेसिकली आपका मैथ्स वीक नहीं है. आपका लॉजिकल सेंस, मैथमेटिकल सेंस वीक हो सकता है, मैथ्स वीक नहीं हो सकता. क्योंकि जब मैं सेशन लूंगा परसेंटेज के या पूरे अरिथमेटिक के, आप ये फील कर पाओगे कि मैथमेटिक्स वाज नॉट दैट एग्जैक्टली टफ व्हाट वी हैड बीन सजेस्टेड. अब एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको कैसे साबित कर पाऊंगा आप मैथ्स समझ पाओगे, मैथ्स पढ़ पाओगे मैथ्स के कुछ एग्जांपल्स के द्वारा. केवल कहने मात्र से कि नहीं, आप अच्छे हो, आप कर सकते हो. इज इट पॉसिबल फॉर मी टू मेक यू फील कॉन्फिडेंट एनफ? ऑफ कोर्स नॉट. कैसे मैं समझा सकता हूँ आपको? अब देखिए, मैथ्स की किसी से पूछो कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, दे विल से यू, दे विल से कि 1 to 9 आर नेचुरल नंबर्स. ओके फाइन, सो गिव मी एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. अभी तो बताया 1 to 9 होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऑल आर नेचुरल नंबर्स. फाइन सर, सो कैन यू प्लीज टेल मी डेफिनेशन एंड व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स? दे आर कॉल्ड, there is no reason behind that. Okay. अब सोचो जरा, basically हुआ क्या? हम में से कोई भी ये नहीं पता कर पाया कि natural numbers होते क्या है. हमने ये मान लिया कि 1 से 9 तक के numbers को natural numbers कहते हैं. क्यों कहते हैं? सोचो जरा, जब natural numbers के history पर गया क्या, या numbers के history पर हम गए, तो हमें पता चला कि ये नंबर्स कहां से आए हमारे पास? हिंदू रिलीजन में गया. हिंदू रिलीजन में कहा गया कि भाई शिव ने डमरू बजाई और ये नंबर आ गए, अक्षर आ गए, अंक आ गए. ठीक है, इस्लाम में जाओ, मोहम्मद साहब ने दे दिए. क्रिश्चियनिटी में जाओ, यीशु ने दे दिए. ग्रीस कल्चर पढ़ो, ग्रीस सभ्यता ने दे दी. अर्थात ये इट वॉज अ डिबेटेबल. Numbers कहां से आए existence में? It was a debatable topic because see, numbers has a definite structure, universally accepted definite structure, and to find out from where these numbers came, हम able नहीं हो सके. अब जरा practical life में देखिए, जब आप practical life में कुछ भी find out नहीं कर पाते कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो there is a very common saying. You know what? Karma. What is karma? Destiny. What is destiny? Almighty. What is almighty? Nature. So since we could not find out ki from where these numbers came, we concluded that since these numbers came from nature, hum nahi find out kar paye na kahan se aaye, to humne kya kiya? Kah diya ki humne ye number hame nature se gift mila. And since these numbers been gifted us by nature, these are called natural numbers. Simple reason. तो कौन-कौन से नंबर आपको मिले? 1 to 9 मिले. 0 तो हमने बाद में डेवलप किया. बाद में 0 आ गया. और 0 आने के साथ the family of numbers completed because no extra character we need to write any number. After invention of 0, sometimes it been credited to Aryabhatta and all. I'm not, or any catastrophe is not concerned about kahan se aaye. We are concerned about operations.
तो ये जीरो जब आ गया, अब ये होल नंबर्स बन गया, द फैमिली इज कंप्लीटेड, सो इट्स बिकम होल नंबर। नाउ टेल मी, आपको दो नंबर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वन इज नेचुरल नंबर, अनदर वन इज होल नंबर। क्या ये दोनों ही नंबर आपको बड़े अच्छे से नहीं समझ पाए? इसी तरह से रैशनल, इरेशनल, ऑड, इवन, एवरीवन हैज सर्टेन रीजन टू नेम देम दैट वे। अगर ये चीज इस लॉजिकल अंदाज में आप समझें तो क्या दिक्कत है जो मैथ्स आपको दिक्कत करेगा? मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जिस रिश्ते को आप कबूल करो मेरे साथ, उस रिश्ते को एड्रेस करते हुए मैं कहता हूं बहुत पोटेंशियल है आप में, और ये मैथ्स के फियर्स है बहुत बड़े ड्रीम को फॉलो करने से अपने को पीछे मत रखो। उसका रीजन क्या है? आप एक जगह मैथ से भागोगे, एमबीए कॉलेज नहीं जाओगे, कैट नहीं करोगे, फिर क्या करोगे? क्या पर्सनल लाइफ में जब आप एक मोबाइल या कुछ भी लेने जाओगे, क्या कभी आप ये नहीं सोचोगे कि ये मेरे लिए फायदे का सौदा है या नहीं? किसी दुकान पर जाओगे, किसी भाजी बेचने वाली मौसी के पास जाओगे, या एक लेडी के पास जाओगे सड़क किनारे अकेले भाजी बेच रही है, पढ़ी लिखी नहीं है, आपको पाव किलो कुछ लेना है और वो बोल रही है 30 रुपए लीजिए, क्या करोगे? घूमते फिरोगे कितने में? क्यों आपने पाव किलो का रेट नहीं समझा? इतने डिस्काउंट ऑफर मिलेंगे आपको लाइफ में, बिजनेस डिसीजन लेंगे होंगे, इनकम के बाद अपना टैक्स फाइल करना होगा, सीए समझाएगा, क्या करोगे फिर? तो मैथ्स बेसिकली मैं बताना क्या चाहता हूं, मैथ्स इज वन ऑफ द टूल टू असिस्ट योर लाइफ लीड सक्सेसफुली एंड विथ मोर कॉन्फिडेंस। दैट्स द एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। इट इज स्टडीड बाय एवरी स्टूडेंट इन द कंट्री और अब्रॉड, और एवरी इंडिविजुअल जो लाइफ में एक्सेल करना चाहता है। मैथमेटिक्स के पीछे जो लिटरल लॉजिक है, अगर वो आप उसको पकड़ पाए ना, तो मैथ्स विल नेवर बी अ टफ सब्जेक्ट फॉर यू एंड आई होप इतने के बाद आप मेरे फॉलो अप वीडियोस जो मैथ्स कोर को लेकर के आएंगे उनको फॉलो करो। आप 3-4 लेक्चर अगर आपने सुना तो आई एम क्वाइट कन्फिडेंट विद माई 20 years लॉन्ग एक्सपीरियंस वेयर आई हैव मेक अ स्टूडेंट गेटिंग टू IIM जो डे वन ये नहीं जानता था कि LCM कैसे निकालते हैं, LCM होता क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर GCD या HCF होता क्या है, जिसने कभी सुना नहीं था, एंड टुडे YIIM से पास आउट होकर किसी बड़ी कंपनी में काम। आप भी लग सकते हो, ये भरोसा इस आप 2-3 जब सब्जेक्ट के वीडियो देखोगे जो मेन कोर्स में उनको नाम दूंगा, अभी तो स्टार्टर सीरीज है, मेरी स्टार्टर सीरीज में आप चल रहे हो, जब मेन कोर्स में आप जाओगे देन यू विल बिलीव कि हाँ मैथ्स वाज नेवर टफ, नेवर टफ, नेवर टफ। लेट मी थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग 20 मिनट्स विद मी, एंड आई होप दिस विल एटलीस्ट मोटिवेट यू टू गो फॉर मैथमेटिक्स, एंड वंस यू आर मोटिवेटेड कॉन्फिडेंट अबाउट इट।